भविष्य की राह से रूबरू कराता कार्यक्रम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश के विकास के लिए सुरक्षा का होना जरूरी है और सुरक्षा के लिए पुलिस का होना जरूरी है पुलिस राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करती है कार्यक्रम में आज बात करेंगे हम यातायात प्रबंधन पर यातायात प्रबंधन सुरक्षा सेवा व अवसर पर और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है शिमला ट्रैफिक से डेप्यूटी एस अजय भारद्वाज जी अजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है अजय जी जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल भाग दौड़ भरी हमारी जिंदगी है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक की समस्या से हर किसी को दो चार होना पड़ता है ऐसे में यातायात प्रबंधन सभी के लिए महत्वपूर्ण है तो यदि बात की जाए यातायात प्रबंधन की तो आखिर ये है क्या और ये किस तरह से कार्य करता है यातायात प्रबंधन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक रेगुलेशन जी। दो टर्म्स है मैनेजमेंट में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है जिसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है एन है स्टेट हाईवे है और एम है एच आर टी सी अल, अल priority, जो ट्रैफिक पुलिस है वो रेगुलेट करेगा एन एच और इसका मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर रोड्स बनाना या आपको शिमला की जैसे आप बात कर रहे हैं जहाँ पर कि जोग्राफिक कंडीशन ऐसी है कि रोड्स बहुत तंग है तो उन रोड को खोलना वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ये मैनेजमेंट का काम है बट उस रोड्स पर रेगुलेट करना ये हमारा काम है जो हमारी ट्रैफिक पुलिस बखूबी कर रही है जी, जी। सर यातायात प्रबंधन की जो महत्वता है उसकी यदि बात की जाए तो आम लोगों के लिए इसकी क्या महत्वता है ट्रैफिक एक ऐसा वाइट टर्म है कि सभी के पास गाड़ियां हैं एवरीबडी है व्हीकल्स और अब कहीं किसी ने ऑफिस पहुंचना है स्कूल पहुंचना है अब तो इवन कि सब्जी खरीदने के लिए भी लोग गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक अभिन्न अंग बन चुका है गाड़ियाँ और एक जो यातायात में है उनकी सबकी भागीदारी एक आम लोगों की भी और सभी डिपार्टमेंट्स की भी और पुलिस की भी जी 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 यदि हम इस समस्या की बात करें इसकी जड़ पर अगर जाना चाहें कि आखिर इस समस्या का कारण क्या है तो वो आप एज अ पुलिस ऑफिसर क्या देखते हैं शिमला का जो जियो, जियोग्राफिकल ज्योग्राफिकल कंडीशन है और यहाँ के जो रोड्स है उसके जो बहुत पहले ये रोड बहुत पहले बने हैं और उसमें गाड़ियाँ बहुत कम थी लेकिन पिछले पाँच सात वर्षों से गाड़ियाँ बहुत कई गुना बढ़ी है इवन कि हमने सर्वे भी किया तो अगर आप नाइट में सर्वे करोगे तो मोर देन फिफ्टी थाउजेंड व्हीकल्स वो बाहर खड़े होते हैं जबकि एक ये भी होना चाहिए कि एन लोग देते कि मेरे पास पार्किंग है और उसके बावजूद भी बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं तो रोड का जो स्टेटा बना हुआ है या जिस तरह से वो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई है दूसरा ये राजधानी है और टूरिस्ट आने चाहिए वेलकम है वो भी बहुत लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे तीसरा यहाँ बहुत सारे विभाग है और जो आसपास के जो जो और जैसे सोलन साइड से लोग आते हैं बिलासपुर साइड से आते हैं वो गाड़ी लेके कर यहाँ आते हैं तो वो उनका आना भी लाजमी है कि ऑफिस वो आ रहे हैं शाम को वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ियों का जो संख्या है बहुत बढ़ जाती है और उसके मुताबिक यहाँ पर आ, जो या, रोड है वो नहीं है थोड़े खुले रोड नहीं है बहुत सारे बॉटल नेक्स है फिर भी उसके बावजूद भी आ, हमारी जो डिप्लॉयमेंट है हमारे सेवेंटी फाइव पॉइंट्स ट्रैफिक के हैं जो हमेशा मतलब खड़े रहते हैं हमारे दो शिफ्टों में दिन में और एक नाइट शिफ्ट में हमारी होती है तो पर इसमें यातायात को अगर सुचारू रूप से हम चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें लोगों की भागीदारी बहुत है कई बार लोग ओवरटेक करते हैं ट्रैफिक सेंस होना जरूरी है आल तो मैंने इतना ऑब्जरवेशन है कि और जगह की अपेक्षा मैंने देखा है कि यहाँ ट्रैफिक मतलब ओवरटेक कम रहता है लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोग होते हैं करते तो उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाता है जी, जी। सर आपसे आपने ट्रैफिक जाम के बारे में तो बताया कि आखिर ये जाम क्यों लगता है आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा किस तरह के ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे इस समस्या से निपटा जा सके एक तो जैसे गाड़ियाँ हर व्यक्ति अपनी गाड़ी से ऑफिसर आता है ऑफिस आता है बच्चों को सबसे बड़ी समझ अपने स्कूल्स के पास है जैसे सभी सभी के बच्चे हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, खुद वो ड्रॉप करें वापस जाए तो सिंगल सिंगल करके वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम रहती है तो ये लोगों से ये अपील है कि वो जैसे पाँच सात लोग किसी एरिए से आ रहे हो कम्बाइंड गाड़ी का यूज़ करें और जैसे बसेज है उसका प्रयोग करें और कोशिश ये करें कि मतलब अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप साथ अगर आपके कोलिग्स से आ, उनसे उनसे बातचीत करके वैसे मिल करके ही इस समस्या का समाधान हो सकता है ज़रूर इसी तरह से यदि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी समस्या का समाधान हो सकता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिस तरह से शिमला है राजधानी है ऐसे में यहाँ पर यह समस्या जैसे आपने कहा कि काफ़ी आम है काफ़ी ज़्यादा हमें समस्या देखने को मिलती है तो जिस समय में टूरिस्ट सीजन्स रहते हैं उस समय भी आपके द्वारा कुछ प्लान जो हैं वो चेंज किए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगी कि कि किस तरह के प्लान बनाए जाते हैं जिससे आम लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो और जो बाहर से आ रहे हैं वो भी एक अच्छी यादों के साथ यहाँ से जाए शिमला राजधानी है इसका हिस्टोरिकल और हर तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका बहुत स्वागत है शिमला आए आ, बस उनसे ये अपील है कि जब शिमला आए तो अपनी गाड़ी सही जगह पार्क करें पार्किंग की भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे जगह अपनी गाड़ी पार्क करें जहाँ से किसी को दिक्कत ना आए दूसरा ओवरटेक वाला भी जब पहले भी आपको बताया जब एक लाइन में चल रहे हो तो आपको डिसप्लिन होकर लाइन में ही चले और जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है वो वहाँ पर आराम से पहुँचे एक और मेरी अपील है जैसे कई टूरिस्ट ने सीधा कुफरी जाना होता है और या नारकंडा जाना होता है तो उनका शहर से अगर उन्होंने शहर में नहीं है उनकी डेस्टिनेशन उधर है तो वो जैसा हमारा बाईपास है शहर में ना आकर बाईपास वाले रोड से भी वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं तो ये सारी बातें अगर वो फॉलो करते हैं टूरिस्ट तो शिमला बहुत सुंदर है और हमारा जो यहाँ जो आय का साधन है वो टूरिस्ट है खूब टूरिस्ट आने चाहिए और भी हम प्लान्स करते हैं टूरिस्ट के सीज़न के टाइम में जैसे हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट से अभी भी हमें फोर बाई फोर व्हीकल्स मिली थी विंटर सीजन के लिए अभी भी चल रही है एप्पल सीज़न के लिए भी मिलती है और जब जब हमारे टूरिस्ट का रहता है हमारे वॉलेंटियर्स भी जैसे नौजवानों में हमने वॉल्टियर्स भी इंट्रोड्यूस किए तो हमारे बीस वॉलेंटियर्स अभी भी काम कर रहे हैं तो उससे एक तो और ट्रैफ़िक सेंस उनके अंदर आई कि क्या समस्या होती है और दूसरा ये है कि वो उनको थोड़ा सा हम थोड़ा इंसेंटिव्स भी हम सरकार की तरफ से दे रहे हैं जी आपने वॉल्टियर्स की बात की और मुझे लगता है जो शिमला वासी हैं वो वॉलेंटियर्स को कई जगह पे देखते भी हैं और जिस तरह से आपने कहा कि उनकी मदद से जो है काफ़ी इस समस्या से निजात मिल रहा है तो ऐसे वॉल्टियर्स कितने ज़्यादा जो है आपसे संपर्क करते हैं कि वो भी अपनी भागीदारी इसमें देना चाहते हैं वॉल्टियर्स uh, के लिए भी हमें कुछ फंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिला था जी। और uh, वर्तमान में हमारे 20 uh, लोग थे उनकी हमने पहले ट्रेनिंग करवाई क्योंकि uh, ट्रे, ट्रेनिंग करवाना ज़रूरी था कि उनको किस जगह खड़ा होना है किस तरह से ट्रैफिक रेगुलेट करना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है गाड़ियों को भी चलाना है तो उनकी हमने ट्रेनिंग भी रखी थी ट्रेनिंग के बाद वो अच्छा काम कर रहे जिस जिस पॉइंट्स में हमने उनको लगाया उनको हमने अटैच uh, किया है हमारे जो ट्रेंड जो पुलिस ऑफिशियल्स uh, से उनके साथ ट्रेंड करके फिर वो बहुत अच्छा काम करे और उससे जो मैंने ये देखा कि जो uh, वो काम कर रहे हैं उनके अंदर उनके अंदर एक सेंस जो आ रही है कि ट्रैफिक रेगुलेट करना दिस इज़ दिस इज़ ए टेक्निक सभी इसको नहीं कर सकते वहाँ कैसे निकालना है कब आपने गाड़ी रोकनी है तो उनके अंदर वो बहुत उनसे मैं पूछता रहता हूँ उनसे बातचीत बहुत अच्छे से वो काम भी कर रहे हैं और बहुत खुश है कि वो भागीदारी अपनी ट्रैफिक में निभा रहे है। जी अजय जी यदि यातायात प्रबंधन में हम नागरिकों की भागीदारी की बात करें तो वो कितनी ज़्यादा जरूरी है देखिए जब भी किसी को लाइसेंस मिलता है उसमें सारी शर्तें होती है कि आपने क्या करना है लेकिन हार्डली कोई पढ़ता होगा या क्या, क्या करता होगा एक ट्रैफिक डिसिप्लिन एक ट्रैफिक सेंस होनी हर आदमी के अंदर जरूरी है उसको कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है उसको ओवरटेक नहीं करना है ओवर स्पीड नहीं करनी है ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है तो ये सारी चीज़ यूजिंग मोबाइल का आजकल बहुत ट्रेंड है जी। मतलब आपको बहुत लोग देंगे कि यूज़िंग मोबाइल और उस पर से कई बार पेडस्टियन हिट्स भी होते हैं या दुर्घटना का भी वो रहता है तो हम बार बार उनको समझाते भी है और हमारा कंटिन्यूसली नाके भी रहते हैं जो ड्रंकन ड्राइविंग वाला है तो शराब पीकर हम ये अपी, अपील भी सभी से करते हैं या टूरिस्ट से या सभी वासियों से भी कि वो ड्रिंक करके ड्राइव ना करें वो उनके लिए भी खतरा है और औरों के लिए भी खतरा है जी अजय जी जिस तरह से हम आ, बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यदि हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि क्या कर्तव्य है उसका समाज के प्रति देश के प्रति तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं वैसे ही कम हो जाएं तो इसके लिए कितना ज़रूरी है कि जो युवा है वो पहले से ही जागरूक रहें ताकि आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है वो और बेहतर हो सके ये जो समस्या है इससे किसी को भी दो चार ना होना पड़े वैसे तो शायद पाठ्यक्रम में भी अब स्टार्ट किया जा रहा है यातायात के नियमों के बारे में और शायद है भी कुछ क्लासेस में बट ये क्योंकि यातायात गाड़ियाँ आज की ज़रूरत बन गई है तो सभी को बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका जानकारी भी होनी चाहिए और समय समय पर हमने रोड सेफ्टी क्लब्स भी हमने बनाए हैं और रोड सेफ्टी क्लब स्कूल्स में कॉलेज में भी हमने बनाया है और uh, बीच बीच में जब भी हमें जैसे कॉलेज में मैं जी बीच में खुद भी जाता हूँ स्कूल्स में भी या खुद जाता हूँ या अगर मैं व्यस्त होता हूँ तो अपने किसी ऑफिसर या ऑफिशर्स को डिप्यूट करता हूँ तो वहाँ भी हम ट्रैफिक के बारे में उनको जानकारी देते हैं कि ट्रैफिक कितना इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में तो उनको जानकारी बच्चों के माध्यम से इसलिए देते कि बच्चे फिर घर में उसको अच्छे से बताए जी अजीत जी आज तकनीक का युग है ऐसे में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपने कार्य को और आसान कर रहे हैं देखिए शिमला के अंदर एक तो CCTV कैमरा, CCTV कैमरा हमारे सी कैमरा सीसीटीवी सी कैमराज हमारे काफ़ी इंस्टॉल हो गए उसका एक कंट्रोल रूम भी हमारा बन गया है जी। और एक आई सिस्टम भी लग रहा है जिसमें ऑटोमेटिक चलांस होंगे तो अभी उस वो अभी एक हमारा ठियोग में लगा है और पांच प्रस्तावित है शहर के अंदर और दो रूरल पुलिस स्टेशंस में तो उससे ये है कि आप वो ऑटोमेटिक उससे चलाने को आप स्पीड आप मतलब हमारी जो मैन पावर है वो वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है जैसे आप वहाँ से क्रॉस होंगे आपने कोई वॉलेशन किया तो वो उसको आपके अगर आपने सीट नहीं पहनी सीट बेल्ट नहीं पहनी है आप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप ओवर स्पीड है तो उसको वहीं से वो प्रोसिक्यूट हो जाएगा तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसका ये फ़ायदा है नई टेक्नोलॉजी में हमें कुछ जैसे एल्कोसेंसर्स भी आए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के एल्को सेंसर्स है और स्पीडोमीटर्स भी हमारे पास आए हैं और वो हमने हर सब डिवीज़न में दिए हैं शिमला के शहर के हर थानों में वो दिए हैं और उसका यूज़ भी हो रहा है रेंडमली हम नाकाबंदी कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा लाइट्स वाला भी एक चला है कि आप एक्स्ट्रा लाइट लगा के चलते हो वो लाल और नीली लाइट्स उसमें भी हम कार्रवाई कर रहा है तो ये सारी जो चीज़ें है ये नई टेक्निक बहुत कारगर सिद्ध हुई है हमें जी रेगुलेट करने में जी अजय जी कई बार हम देखते हैं हम सड़क पे जा रहे होते हैं और कई बार हम इस तरह की समस्या देखते हैं कि जो ड्राइवर है उसे जो है जो भी पुलिस कर्मचारी है वो रोकते हैं और जो भी उसने ट्रैफ़िक वायलेशन किया है उसके बारे में बता रहे होते हैं ऐसे में कई बार वो उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग उनमें हो जाती है और काफ़ी जाम लग जाता है ऐसी स्थिति में जो एक नागरिक है और एक पुलिस ऑफिसर है वो किस तरह से एक सामंजस्य स्थापित करके इन सारी समस्याओं से दूर रह सकते हैं देखिए हमारा सबसे फर्स्ट जो हमारा ध्येय है वो है सिटीजन फर्स्ट और जो ये हमारा किस तरह का व्यवहार है इस पर हम बीच बीच में अपने जो ट्रैफिक जो हमारे यातायात को चलाते हैं हमारे जो ऑफिशियल्स हैं हमारे जो और लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाते और उनको बीच बीच में उनको गाइड भी करते दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप बिहेव प्रॉपर रखें कि गाड़ी में कोई फैमिली है लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो आपने उनको किस तरह से अच्छे से बात करनी है लेकिन कई बार कोई ओवर स्पीड में जा रहा है कोई ड्रंक ड्राइविंग है तो हमारे लोग उनको रोकते हैं तो हमारा तो यही रहता है कि उनसे बहुत पोलाइटली बात करें जी और इसके लिए हमने एक और चीज़ की हमें बॉडी बॉम कैमरे सभी आपके पुलिस हमारे जो पुलिस ऑफिशल्स है पॉइंट उनके पास सभी के पास है और हमने ये कहा है आप तो बहुत पोलाइटली बात करें अच्छे से बात करें और उस कैमरे में अगर आप को कोई कोई मिसबिहेव है उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा अगर वो कोई करता है तो हमारे सभी लड़कों के पास कैमरे ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो हमने उनको ये कहा वो ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा पब्लिक सर्विस है कि पब्लिक को हम अच्छी सर्विस दें उनसे अच्छे से, से बातचीत करें और दूसरा ये भी होता है कि जैसे धूप है और वहाँ धूल है वो काम कर रहे हैं वहाँ हमारे लड़के उनको हम मोटिवेट भी करते हैं कि ठीक है हमें अब अगर आप मैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं जैसे हमारी विक्ट्री टनल है विक्ट्री टनल में पर डे मुझे लग रहा है कि लगभग हमारे 25 से तीस हज़ार गाड़ी का आवाज आई है और जो लड़का वहाँ खड़ा है जो उसको रेगुलेट कर रहा है और सिक्स आवर्स एट आवर्स टेन आवर्स वहाँ खड़े होकर रेगुलेट कर रहा है और तीस से पैंतीस गाड़ियों को रेगुलेट कर रहा है तो उसका माइंड सेट कैसा होगा तो उस पर भी हम बहुत शांत हो के उसके बावजूद तो भी बहुत शांत और बड़ी शालीनता से हो लोगों से बात करें तो लोगों से भी हमारी ये अपील है कि वो भी शालीनता से पेश आए वही जो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ ड्रंकन ड्राइविंग वाला शराब पी के ना चलें तेज़ रफ्तारी से ना चलें ओवरटेक ना करें मोबाइल यूज़ ना करें यू टर्न का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कहीं से भी यू टर्न करते तो वो भी ऑब्सट्रक्शन करता है तो ये सारी चीज़ों की मेरी सभी से अपील है कि वो क्योंकि हमारा शहर है शिमला शहर है हमारा शहर है हमने इसको अच्छे से यातायात भी चलाना है और अच्छे से रहना भी जी आपने ट्रैफिक जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं की बात की ये बहुत ही एक दुख बात रहती है कि हम इन समस्याओं की ओर शायद किसी आम व्यक्ति का ध्यान भी नहीं जाता है तो सर ऐसे में उन कर्मचारियों के लिए जो भी वहाँ पर ट्रैफ़िक में तैनात रहते हैं किस तरह के कि उनके लिए प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ताकि वो इन जो भी उन्हें मानसिक समस्या है शारीरिक समस्या है पूरे दिन भर खड़े रहना ऐसी समस्याओं से वो निपट सके देखिए वो ट्रेंड लोग हैं उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि ना तो थकेंगे और ना ही अपना आपा खोएंगे इस तरह से क्योंकि ट्रेनिंग में उनको टफनेस इतनी अच्छी दी और बीच बीच हम उनको दिशा निर्देश भी देते छोटी छोटी दो दो चार चार दिन की ऐसे ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं लेकिन उनकी टफनेस वो ट्रेनिंग से ही है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमारी होती है कि हमें अपना आपा नहीं खोना है चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा है हमने पोलाइट रहना है और अच्छे से काम करना है जी अजय जी ट्रैफिक नियमों का जो है यातायात प्रबंधन में एक बहुत अहम भूमिका है तो ऐसे में इस भूमिका को और बढ़ाने के लिए क्या हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यदि हम शिमला शहर की बात करें क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लोगों तक के मैसेज़ पहुँचाए जा रहे हैं या फिर हम जगह जगह पे देखें कि स्क्रीनस लगी हैं लोगों को मैसेज मिल रहा है कि आखिर हमें किस तरह के नियमों का पालन करना है जिस तरह से आपने कहा यू टर्न का भी एक बहुत बड़ी समस्या है तो क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता है कि लोग इन बातों को समझे और उन्हें बार बार ये चीज़ें बताई जाए जिससे कि ट्रैफिक की जो समस्या है उसे भी उसमें भी निजात मिल सके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके अलावा हमारे हमने जगह जगह होर्डिंग्स भी लगाए हैं और हमारा शिमला पुलिस का भी एक पेज है उस पर भी बीच बीच में दिशा निर्देश देते रहते हैं okay. एक हमारा ट्रैफिक का हमने रफ्तार स्क्वेड नाम से भी एक हमने फेसबुक पेज भी बनाया है okay. उसमें भी जो भी समस्या होती है वो हम उसमें डालते हैं उसमें अपील्स भी करते हैं कहीं कोई सड़क बंद है अब जैसे स्नो सीज़न था इस बात तो नहीं उतना हुआ लेकिन वो हम उसको अपडेट करते वहाँ इतना स्नो है आप उधर से ना जाए वो रोड वहाँ कोई और कोई पेड़ गिरा है वो हम उसको अपडेट करते रहते हैं कहीं बस ख़राब है तो हम बोलते ही उस रास्ते में ख़राब है वो वन वे ट्रैफिक है उधर से जाए तो जो भी मतलब उसको हम समय समय पर रेगुलेट भी कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं अजय जी आपके कौन से ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से जो भी नागरिक हैं वो ट्रैफिक नियमों के बारे में जान सकते हैं एक तो शिमला पुलिस हमारा एक जो वो तो हमारा व्हाट्सएप भी है ट्विटर भी है और एक हमारा रफ्तार स्क्वेड है वो हमने ट्रैफिक का ही बनाया तो उस रफ्तार स्क्वेड में हमारा जो भी कहीं जो मैंने बताया आपको बस ब्रेक डाउन है पेड़ गिरा है कहीं कहीं मेटलिंग हो रही है क्योंकि शिमला शहर में वर्तमान में मुझे लग रहा है सौ जगह से ज़्यादा पे काम चले हैं और धन्य ये सड़कें शिमला की जहाँ एजिटेशन भी नहीं सड़कों पे होता है काम भी इसी पे होता है लोग भी इसी पे चलते हैं यातायात भी इसी पे चलता है लेकिन फिर भी हमारे जो ट्रैफिक के जो जवान है बहुत अच्छे से इसको रेगुलेट कर रहे हैं जी सर हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने कार्य को बखूबी निभाती है वे लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भरपूर मदद करती है परंतु फिर भी कई बार आपात स्थिति आ जाती है हम एक्सीडेंट आदि के बारे में सुनते हैं ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को आपात स्थिति से बाहर निकलना है किसी मदद की उसे ज़रूरत है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है इसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर्स हैं शिमला जितने भी ऑफिसर्स हैं एस एच है उनको सबको ऑफिशियल नंबर मिले हैं और उसकी सीरीज़ है डबल एट नाइन फोर सेवन टू एट जीरो ज़ीरो वन ये हमारे बॉस का है एसपी साहब का नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक शिमला शहर के ऑफ़िसर्स है उसके बाद जो और हमारे सब डिविजन्स में उन ऑफिसर्स के नंबर है और सभी एस एच को भी ऑफिशियल नंबर दिए तो ट्वेंटी फ़ोर आवर्स कभी भी कोई भी उसके ऊपर संपर्क कर सकता है कहीं ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो किसी ने ओवरटेक किया हमने तो इतनी भी अपील की है कि कोई ओवरटेक करता है कहीं कोई वायलेशन करता है फोटो भेजिए हम एक्शन करेंगे उस पर अजय जी जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं यदि आज के युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आ सकते हैं यदि हम देखें तो आपने शुरुआत तो वो वॉल्टियर्स को रखने से ही कर दी है परंतु यदि अन्य युवा भी इसमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं जै सबसे पहले तो मैंने वही बताया आपको कि वॉलेंटियर्स हमने लगाए और उनके अंदर एक सेंस आ गई है कि जो यूनिफॉर्म की जो जॉब है वो वो एक प्रेस्टिजस जॉब है और किस तरह से वो काम करते हैं मल्टी वर्क्स करते हैं सारे काम करते हैं वो भी एक है एन जैसे कॉलेज में है उससे भी इनको यूनिफॉर्म पहनने की एक झील रहती कि मुझे कुछ आगे कुछ करना है तो युवाओं से ये अपील है कि एक तो जो पुलिस में आएगा वो फिजिकली बिल्कुल फिट रहेगा जी और मेंटली भी फिट रहेगा हर तरह से फिट जो है वो युवा इसमें आए और सभी से ये अपील भी है कि अगर वो इस जॉब में आना चाहते तो फिजिकली फिट रहे और नशे से दूर रहे सबसे बड़ी जो आज का सबसे बड़ी जो समस्या है नशा जो हर चीज़ की जड़ है तो उससे बचे आप खेलें खेलों में भाग लें भाग दौड़ करें अपना आपको फिजिकली मेंटली हर तरह से फिट रखें तो वही लोग देश के लिए कुछ कर सकते हैं यदि हम बात करें युवाओं की उनके रुझान की पुलिस के क्षेत्र में तो वो आप कैसे देखते हैं किस तरह का रुझान है आज के युवाओं का पुलिस में भर्ती होने के लिए क्योंकि हमने 20 वॉलेंटियर्स रखने थे मैंने पहले भी बताया लेकिन हमारे पास बहुत एप्लीकेशन बहुत फ़ोनस आए इन क्योंकि वो जो जो हमने ये कोशिश की थी कि जो अच्छे लड़के हो वो इसमें आए एनसीसी को हमने प्रेफर प्रेफरेंस दी थी और उसके बाद ट्रेनिंग भी हमने करवाई तो क्योंकि बिना ट्रेनिंग से हम किसी को भी सड़क पे काम नहीं करवा सकते तो जिनकी ट्रेनिंग की थी वो उनको हमने बच्चों को यहाँ रखा उनको अभी कुछ अभी भी कुछ कर रहे हैं आगे भी अगर हमें इस तरह का कुछ बजट मिलेगा तो हम आगे भी करेंगे जी अजय जी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न ही ना हो अगर हम भविष्य में बात करें कि ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न ही ना हो तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है आम आदमी द्वारा ताकि किसी तरह के कोई योजना ही ना बनानी पड़े कि हमें ट्रैफिक को संभालना है देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट में सारी चीज़ें कि सड़क कैसी हो खुली हो अच्छी हो तो वो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है उनका कंट्रीब्यूशन है और शिमला का जैसे जियोग्राफिकल आपने देखा है किस तरह की सड़कें हैं गाड़ियाँ बहुत कई गुना बढ़ गई है जी। तो उसमें लोगों की भागीदारी है कि वो मतलब कंबाइनली गाड़ियों का प्रयोग करें, बसेस का प्रयोग करें और यातायात में जब भी वो सड़क पर निकले तो सही तरह से जो भी नियम है उसका पालन करें जी नागरिक जो है अपनी भागीदारी इस माध्यम से दे सकते हैं जिस तरह से आपने कहा पार्किंग की जो समस्या हम शिमला में देखते हैं और टूरिस्ट सीजन में हम इसे ज़्यादा देखते हैं इस समस्या से निपटने के लिए क्या आप जो है एमसी के साथ भी किसी तरह से कार्य करते हैं उनका भी आपको सहयोग मिलता है ये जो पार्किंग बनाना ये काम है एम या और जो स्टेक होल्डर्स है उनका काम है और उनको हम बार बार लिखते भी और सभी इससे बाकी भी है यहाँ की हर जगह okay. पार्किंग होनी चाहिए पार्किंग्स कुछ कम है वो उस पर और डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं okay. लेकिन हम बार बार लिखते भी है अपील भी करते हैं कि पार्किंग यहाँ ज़्यादा होगी तो मैनेजमेंट में आसानी रहे अजय जी यदि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आज के युवाओं और बच्चों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है जागरूक करना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें अपने कर्तव्यों को समझें और भविष्य में जो है ये ट्रैफिक की समस्या से उन्हें जो है दो चार ना होना पड़े ये हम बार बार अपील भी करते हैं हमने पम्पलेट्स भी बांटते हैं और मैं आपको ये बताया कि जब हम हमें लाइसेंस मिलता है उसमें सब कुछ ये बहुत डिटेल में होता है कि हमने क्या करना है कैसे सड़कों का नियमों का पालन सबसे पहले यही शर्त होती है जी। और इसलिए सब एवियर भी है लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम कैंप्स भी पंपलेट्स भी कई चीज़ें करते हैं कि आप सही ढंग से चलें यातायात के नियमों का पालन करें जी सर आपने कैंप्स की बात की और ट्रेनिंग्स की बात की जो युवाओं के लिए रहते हैं उनमें किस तरह के कि उनको निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो युवा अभी हमें देख रहे हैं वो भी और जागरूक हो सके हम यही सारी चीज़ें कि आप ये सबसे बड़ा तो मैं ड्रंकन ड्राइविंग वाला नशे में आप ड्राइविंग ना करें यू टर्न ना लें ओवर स्पीड जो युवाओं का एक होता है कि मुझे बहुत तेज़ चलना है वो अपील करते हैं कि वो ना हो ये सारी चीज़ें सारे जो नियम हैं उनको फॉलो करने के लिए हम उनसे अपील करते हैं जी अजय जी हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें आप बार बार उनसे अपील तो कर ही रहे हैं कि वो संयम बरतें अच्छे से ड्राइव करें परंतु तो हम जरूर चाहेंगे कि आप एक संदेश दें कि किस तरह से वो भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं इस कार्य में अब आम लोगों से यही हमारी अपील है कि वो जो जो भी ट्रैफिक के नियम है यातायात को नियम है उसको उसकी पालना करें और एक जो ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही सड़क पर चले उनकी जितनी जिम्मेवारी है जितना उनको उनके अधिकार है उनकी जिम्मेवारियाँ भी उतनी है तो जिम्मेवारी से चले खुद भी सुरक्षित रखे अपने आप को भी सुरक्षित रखे और औरों को भी सुरक्षित अपने घर तक पहुंचने में भागीदारी दें जी अजय जी आपने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे शिमला ट्रैफिक से डेप्यूटी एसपी अजय अजय जी जिनसे हमने जाना कि किस तरह से यातायात नियंत्रण में हम सभी की भागीदारी जरूरी है और किस तरह से हम सभी आगे बढ़कर इस देश सेवा के कार्य में अपनी भागीदारी दे सकते हैं आज कार्यक्रम में बस इतना ही हमें दीजिए इजाजत नमस्कार